आलू ये बताओ, संसार का सबसे पुराना जीव कौन सा है? जेबरा। वो कैसे? वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, इसलिए। टमाटरी, तुझसे शादी करके मुझे दो फायदे हुए हैं। कौन से दो फायदे आलू? अरे यार, तू मेरे से इतना घुल मिल गई है कि तेरे कारण लोग मुझे सब्जी और सलाद दोनों में पसंद करते हैं। मेम साहब फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, दो चार पीस खा लें क्या? खबरदार, अगर रसगुल्ले को हाथ भी लगाया तो। मैंने सारे रसगुल्ले गिन के रखे हैं, अगर एक भी कम हुआ ना तो समझ लेना। हमको मालूम था आपने गिन के रसगुल्ले रखे हैं, इसलिए हमने एक भी रसगुल्ला नहीं खाया, केवल चूस के वापस रख दिया। पापा, दादी तो अंग्रेजी बोलती हैं। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी तो एकदम अनपढ़ हैं, वो कहाँ से अंग्रेजी बोलेंगी। अच्छा पापा, नियर का क्या मतलब होता है? बेटा, नियर का मतलब पास होता है। पापा, मैं दूर खड़ा था, दादी मुझको पास बुलाने के लिए अंग्रेजी में बोली। अच्छा, क्या बोली? दादी बोली, बेटा तनी नियरे आवा। आप सबके मालूम हो कि विवेक ओबराय फिल्म में आए से पहले का काम करत रहा? नहीं मालूम, हम बतावत थे, वो मजदूरी करत रहा। हम और विवेक ओबराय दोनों साथ में इधरे खुदाई करत रहे, लेकिन फिर उसका फिल्मों में काम मिल गया और इसने खुदाई छोड़ दी। वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। तो जब से उसने खुदाई छोड़ी है ना, तब से उकरे हिस्से की खुदाई भी हम ही के करे के पड़े थे। हम सोचा थी खुदाई उदाई छोड़ के फिल्म में काम कर ली का। अरे भैया, मुँह लटका के काहे बैठे हो? क्या बताएं, बीबी से झगड़ा हो गया। अरे छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, इसमें मुँह लटकाने वाली कौन सी बात है? मुँह ना लटकाए तो क्या करें हैं? क्या करें बताओ, क्या करें? रोज हमारे घर में तरोई की सब्जी बनती, कद्दू की सब्जी बनती, बैगन की सब्जी बनती है। आज साला झगड़ा हो गया तो कमबख्त ने पनीर की सब्जी बनाई है। मोटी अकेले ही सब खाएगी, हमको नहीं देगी कुछ। हमको भी पनीर की सब्जी खानी है। बाबा जी, भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती जलाना जरूरी है क्या? अरे नहीं बेटा, तब आप इतनी अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? अरे बेटा, वो भगवान को खुश करने के लिए अगरबत्ती थोड़े ही जलाते हैं। तो फिर बेटा, अगरबत्ती जलाने के बाद जो सीख बचती है ना, उससे दांत खोदने का मजा ही अलग है।